मम्मी यार आप अब यार फालतू परेशान करते हो यार। मम्मी आप फालतू काम के लिए भेजोगे तो मैं क्यों करूंगा? तुम दोनों चुप रहोगे? मैं जरा सा बाहर जाता हूँ और तुम दोनों चिल्लाना और लड़ाई करना शुरू कर देते हो। ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मेरा भी फिट एंड फाइन है एकदम। दिमाग बोल रहा हूँ। वो छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ पापा की डैडी कहाँ गई? भैया ने बोला हटाने के लिए तो हटानी पड़ी। एक बार बोलते ही पापा, हम आपको इतने साल से बोल रहे हैं और आपने कटा ही नहीं। ओए भैया से है ना, मेरे को बहुत डर लगता है, आज भी कांपता हूँ उनके नाम से। वो अपने टाइम के ना गुंडे रह चुके हैं, समझा? मैं और मम्मी अभी गुंडे हैं पापा। कौन है मुझसे बड़ा गंडा जो पैदा हो गया, अभी उड़ा दूंगा। अरे भैया ये क्या दिखा रहे हो आप इन दोनों को? चुप कर दो। एक तो मुझे स्टेशन देर से लेने आया और अब मुझे सिखा रहा है क्या करना है। सॉरी भैया। ओए एक बात बता, हमारे घर में कोई मर गया है क्या? नहीं नहीं भैया, कोई नहीं मरा। तो तेरी बीवी मेरे पाँव क्यों नहीं छू रही है? लास्ट टाइम जब आया था तब मैंने छुए तो आपने मेरे को लड्डू दे दिए थे। मोती क्या? चूर की बात हो रही है। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। चल वो सब छोड़ और बता, तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? भैया सबसे बेकार चल रही है अभी जिंदगी। क्यों? क्योंकि हाथ में दर्द है थोड़ा। अबे ओए मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? बोला ना हाथ में दर्द है। बीवी क्या होते वह भी हिलाता है, बच्चा है क्या? अरे भैया कंप्यूटर पे काम करता हूँ इसलिए दर्द है। अच्छा गांजा भूखता है क्या तू? भैया ये सब मैं नहीं करता, आपको खुद को पता है। अच्छा तो ये फोटो किसकी है? मेरी है। क्यों चालू किया ये सब तूने? पी के देखो मजा आ जाएगा, इसलिए चालू करी है। तुझे याद है कि ठीक 5 साल पहले मैंने भी यही कहा था और तूने मुझे क्या कहा था जब मैं पीता था पता है? हाँ याद है मुझे। तूने मुझे कहा था कि मजा तो आता जाता रहता है और ऐसा मजा भी क्या काम का जो जान ले ले। तो तू खुद बता ये करना चाहिए या नहीं? हाँ याद है मुझे ये बात पूरी। बात याद है तेरे को पर शायद मतलब भूल गया। सॉरी भैया। सॉरी मुझे नहीं, अपने बीवी और बच्चे को बोल, क्योंकि तू उनको अपने आप से छीनने वाला था। मैं शर्मिंदा हूँ भैया, सॉरी आपको भी और तेरे को भी और तुमको भी। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, इसे कमेंट करो और इसे शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑल वीडियो स्टेशन, और बेल आइकन को भी दबा दो। और हाँ आपको तो सबको यही पता होगा कि इन सब से अपनी जान जाती है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना ये सब करने से पहले या शुरू करने से पहले कि आप अपने आप को अपने परिवार वालों से छीन रहे हो। तो प्लीज़ इन सब को ना अपनाएं और अपने ज़िंदगी के मज़े अच्छी तरह से लें। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी या।